नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्विमिंग करने से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताने वाले हैं। यदि आपको अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है तो स्विमिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि स्विमिंग करने से दिल की सेहत लंबी उम्र तक दुरुस्त बनी रहती है। तैराकी से कई तरह की हार्ट संबंधित समस्याएं दूर होती है। वैसे तो तैरने के कई सेहत लाभ होते हैं, जिसमें वजन कम करना, मांसपेशियों को टोन करना, हड्डियों को मजबूत बनाना, शरीर की ताकत और ऊर्जा को बढ़ाना आदि शामिल है। स्विमिंग एक तरह का एरोबिक एक्सरसाइज है जो हार्ट को ताकत देता है, ब्लड को पंप करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यदि महिलाएं प्रत्येक दिन 30 मिनट तैरती है तो कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा 30-40% तक कम हो जाता है। तो आइए स्विमिंग करने के महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानते हैं। ले सकते हैं लंबी गहरी सांस। स्विमिंग करने से सांस से संबंधित समस्याएं दूर होती है। जो लोग तैराकी करते हैं वे सामान्य व्यक्ति की तुलना में एक ही सांस में ज्यादा तेज और लंबी सांस ले सकते हैं। तैरने से शरीर की बड़ी मांसपेशियों के समूह को लाभ मिलता है, हृदय गति को बढ़ाता है, जिससे आपके फेफड़े अधिक कुशलता से काम करते हैं। आप जितना अधिक तैरते हैं उतना ही ज्यादा आपके ब्लड प्रेशर और हृदय गति में सुधार होगा, हृदय गति को बेहतर बनाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरी मांसपेशियों की ही तरह हमारा हार्ट भी एक तरह का मसल सी होता है, जिसे आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक धड़कन के साथ हार्ट ब्लड पंप करता है और पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है। लोअर रेस्टिंग हार्ट के स्वास्थ्य लाभ का मतलब है कि आपको दिल की बीमारियों का खतरा कम है और तैराकों की लोअर रेस्टिंग हार्ट रेट 40 हार्ट बीट प्रति मिनट होती है। यह गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर होता है कम। तैराकी एक एरोबिक एक्सरसाइज है जो हार्ट को मजबूत बनाता है, इससे शरीर में रक्त प्रवाह अधिक तेजी से होता है। लो ब्लड प्रेशर बनाए रखने के लिए आप प्रतिदिन 30 मिनट तैराकी करें। एक अध्ययन के अनुसार स्वस्थ हृदय को बनाए रखने के लिए प्रति सप्ताह 2.5 घंटे व्यायाम करना पर्याप्त है। ब्लड सर्कुलेशन में करें सुधार। तैरने से आपके हृदय गति में सुधार होता है, जिससे शरीर में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है। बढ़े हुए ब्लड सर्कुलेशन से उन क्षेत्रों में सुन्नता और झुनझुनी की समस्या कम होती है, जहां ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण ये समस्याएं महसूस होती है। तो दोस्तों, इस तरह की और फिटनेस से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।